आप अपने आसपास खिलते फूलों को जरूर देखते होंगे, जो सामान्यतः आकार में छोटे ही होते होंगे और जिनका वजन कुछ ग्राम तक होता होगा और हर साल खिलते होंगे। लेकिन आज हम जिस फूल के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो अपनी खूबियों के कारण हाल ही में सुर्खियों में बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमनदीप, वेलकम टू माय चैनल। कोरोप्स फ्लावर, जी हाँ, जिस फ्लावर की बात करने हम आज जा रहे हैं, उसको कोरप्स फ्लावर के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में तकरीबन 10 वर्ष बाद कोरप्स फ्लावर नामक दुर्लभ फूल खिला है। कोरप्स फ्लावर को इसके वैज्ञानिक नाम अमोर्फोफेलस टाइटेनम से भी जाना जाता है और यह अति दुर्लभ पौधा प्रत्येक 7 से 10 वर्ष में केवल एक बार खिलता है। इसको दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर माना जाता है। कोरप्स फ्लावर मूलतः इंडोनेशिया में सुमात्रा के वर्षावनों में पाया जाता है। लगभग एक दशक में कोरप्स फ्लावर 10 फीट तक लंबा हो सकता है और इसमें दो प्रमुख घटक होते हैं, जिसमें पहली गहरे लाल रंग की पंखुड़ी, जिसे स्पैथ के रूप में जाना जाता है, और दूसरी एक पीले रंग की शड़, जिसे स्पैडिक्स के रूप में जाना जाता है। इसे वर्तमान मौजूद पौधों में सबसे बड़ा माना जाता है और कभी कभी इसका वजन लगभग 100 किलोग्राम तक हो सकता है। औसत कोरप्स फ्लावर का जीवन काल लगभग 3-4 दशकों का होता है। यद्यपि इंडोनेशियाई कोरप्स फ्लावर की खेती वर्षों से दुनिया भर में की जाती रही है, किंतु फसलों और लकड़ी के लिए वनों की कटाई के कारण इसकी संख्या सुमात्रा के अपने मूल स्थान तक सीमित होती जा रही है। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा वर्ष 2018 में लुप्त प्राय पौधे के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।